Hello students, welcome to our channel EduTeach and बेटा क्लास टेंथ. आज हम अपने करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो हमने कंप्लीट कर लिया है, फिनिश कर लिया है. एक्सरसाइज क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं. ठीक है, तो आज जो चैप्टर नंबर 1 है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है आपका पहले चैप्टर नंबर 1 से, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं. हमारा चैप्टर क्या है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. ठीक है, तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. व्हाट हैपन व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड. State physical conditions of reactant in which reaction between them will not take place. Write the balanced chemical equation for the reaction and name the type of the reaction. जैसे कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि आपके questions कैसे आने वाले हैं, कि reaction करके बताओ. ठीक है, उसको equation statement की form से, उसको आपको equation symbols की form में लिखना पड़ेगा. जैसे कि आपका first question जो आया, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है ना आपका, यहाँ से कि व्हाट हैपन से लेके और बेरियम क्लोराइड, ये क्या कहना चाहता है आपको? ये यही तो कहना चाहता है ना कि बताओ व्हाट हैपन्स जबकि एक्वस सॉल्यूशन जो है ये आपका, जब वो सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट होगा तो आपको एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट जो है बेरियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा. ठीक है, तो आपको इक्वेशन लिख के दिखानी है इसकी. ठीक है, बताया था कि ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है. ठीक है, उसके बाद आपको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है. यहां से देखो, स्टेट करो, बताओ हमें कि कौन सी फिजिकल कंडीशन है जिसके अंदर रिएक्टेंट जो है वो, ये जो रिएक्टेंट है ना सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की, ये आपस में रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, वो वाला स्टेट बताओ हमें. दो क्वेश्चन पूछे गए इसी क्वेश्चन के अंदर. थर्ड क्वेश्चन देखो कि जो ये रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट के बीच में, इस रिएक्शन को क्या करना है? बैलेंस करना है तुम्हें, बैलेंस करनी है ये केमिकल इक्वेशन लिख के आपको. तो सबसे पहली बात तो आपको लिखनी आनी चाहिए, और दूसरी बात उसको बैलेंस करना आना चाहिए, और तीसरी बात जो हमने टाइप्स में पढ़ा था, नेम द टाइप ऑफ द रिएक्शन, आपको टाइप भी पता होनी चाहिए. समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? लेट्स सी द आंसर. तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जब एक एक्वस सॉल्यूशन जो है सोडियम सल्फेट का रिएक्ट करता है विद द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो आप बताओ कि कैसी रिएक्शन होगी. अब यहाँ पे बेटा इस वर्ड का मतलब क्या है, मैं शायद तुम लोगों को पहले बता भी चुकी हूँ. दिस वर्ड मीन्स हेयर व्हाट एक्वस. एक्वस का मतलब क्या है कि उसमें पानी मिला हुआ है. ठीक है, वाटर की कंसिस्टेंसी वाला सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है. ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड. ठीक है, तो हमें बताना है कि कैसे रिएक्ट करेगा. तो देखो, BaCl2 दैट इज योर बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट, तो क्या बना देगा? बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड. तो किसकी पीपीटी फॉर्म हो जाएगी? ये डाउन एरो क्यों दिखा रखी है? दिस इज फॉर कि पीपीटी फॉर्म हुई है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है यहाँ पे. ठीक है, तो क्या हो गया? अब बेरियम ने किसकी जगह ले ली? सोडियम की जगह ले ली, और सोडियम ने किसकी जगह ले ली? बेरियम की जगह ले ली. क्लियर हो रही है ये बातें? कर चुके ना हम ये पहली चीजें. बेरियम ने जगह ले ली सोडियम की, यहाँ पे ये वाला सोडियम वाला जगह इसने ले ली, और सोडियम ने जगह किसकी ले ली? बेरियम की ले ली. क्लियर हुआ ये आपको, जो मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ आपको? तो अभी बता सकते हो, स्टेटमेंट लिख दिया आपने, लिखने के बाद आप बता सकते हो कि कौन सी रिएक्शन है ये. दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, दोनों ने अपनी जगह बदली है ना. और दूसरा ये क्या है? एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है. क्यों? क्योंकि यहाँ जो बेरियम सल्फेट है, इस बेरियम सल्फेट का क्या बन रहा है? प्रेसिपिटेट बन रहा है. क्लियर हुआ आपको? ठीक है. सॉरी, आपको इसी क्वेश्चन में पूछा गया था कि बताओ कि कौन सी स्टेट में रिएक्टेंट्स रिएक्ट नहीं करेंगे. तो कौन सी स्टेट में नहीं करेंगे? सॉलिड स्टेट में नहीं करेंगे. देखा कितना इजी सा क्वेश्चन था, और पूरा चैप्टर देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर जो है ना उन्होंने निपटा दिया है. तो आपको कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन आ जाएगा. क्लियर है आपको?
इजी सा क्वेश्चन पूछा गया था, आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है फिर से, कि आयरन नेल डिप्ड किया गया है, आयरन नेल को डिप कर दिया, दिख रही है ना यहाँ आयरन नेल, आयरन नेल को डिप कर दिया उन्होंने एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट के अंदर उन्होंने, ये दिस इज दी एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जो कि कैसे कलर का है, ब्लू कलर का है, उसके अंदर उन्होंने क्या डाल दी, इसके अंदर उन्होंने डाल दी आयरन नेल। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि 30 मिनट के बाद हमने जब ऑब्जर्व किया ना कलर, वो जो कलर था सॉल्यूशन का, वो सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया। तो बताओ कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, कि क्या होगा कलर चेंज होने के बाद। तो आपको रिएक्शन बहुत बारी कराई थी ना, फेरस सल्फेट एंड आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रही है, Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 एंड Cu, तो यहाँ पे क्या हो गया, बताया था ना कि ब्लू कलर से कैसा हो जाएगा, लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देख रहे हो ना क्या हो गया यहाँ पे, कौन सी रिएक्शन हो रही है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है ना, फिर से क्या कर दिया, आयरन ने किसको हटा दिया, आयरन ने कॉपर सल्फेट के अंदर सॉल्यूशन के अंदर जब वो गया, तो इस आयरन ने कॉपर सल्फेट की जगह, कॉपर की जगह ले ली सल्फेट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से, और खुद उसकी कॉपर की जगह आ गया और क्या बना लिया, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बना लिया, और वो कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है जो तुम्हें यहाँ दिख रहा है, और कॉपर मेटल कैसी दिखने लगी, वो दोबारा से अपना ब्राउन कलर की दिखने लगी तुम्हें। ठीक है, समझ में आया, इजी था, कर चुके पहले हम ये भी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन क्वेश्चन देखो, द कलर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड फेरस सल्फेट एज ऑब्जर्व्ड इन द लेबोरेटरी आर, कि तुमने जब कभी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया होगा और फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया होगा, अभी पीछे देख के आए हो ना आप कलर सॉल्यूशंस के, तो बताओ कैसे कलर के होंगे वो। तो अभी देखा था कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, डार्क ब्लू होता है, और जो फेरस सल्फेट का कलर बना था वो कैसा बना था, पेल ग्रीन कलर का, दोबारा देख लो। ठीक है, इसीलिए ये मैंने यहाँ पे पिक्चर डाली थी तुम्हारे लिए, डार्क ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, और बिल्कुल हल्के रंग का, बिल्कुल पेल कलर का, ग्रीन कलर का तुम्हारा फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, देखो कितने इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अच्छा, ये जब मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन कराई थी तुम्हें, तो उस टाइम पे मैंने तुम्हें ये रिएक्शन कराते वक्त बोला था कि बेटा दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोला था ना। क्वेश्चन देखो, इस पे क्वेश्चन कैसा आया है कि 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड लिया हमने, ठीक है, किसके अंदर, चाइना डिश के अंदर ले लिया, और उस चाइना डिश को कहाँ रख दिया उन्होंने, सनलाइट के अंदर रख दिया कुछ टाइम के बाद। तो रिएक्शन करी थी कि सिल्वर क्लोराइड जो है उसको जब सनलाइट में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है, और किसमें टूट जाएगा, Ag एंड Cl2 के अंदर टूट जाएगा। बताई थी, कराई थी, बोला भी था कि ये क्वेश्चन, इस वाली रिएक्शन से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, यूज भी बताया था, व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में इसका यूज होता है। तो आपको क्वेश्चन बोला है कि सिल्वर क्लोराइड को जब चाइना डिश के अंदर डाल के सनलाइट में रखा गया, तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व इन दी केस। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर का दिख रहा था ना हमें, वो सनलाइट में रखने के बाद ना ग्रे कलर का दिखने लग गया हमें। ठीक है, तो बताओ राइट, उसके बाद कहता है कि केमिकल जो है ना रिएक्शन लिख के दिखाओ इसके लिए हमें, और वो भी कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल होनी चाहिए। तो AgCl जब सनलाइट के अंदर रखा गया है तो किसमें टूटेगा, 2AgNCl2 के अंदर टूटेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ Ag है, NCl है, यानी 1-1 है दोनों, लेकिन यहाँ पे Cl कितने हैं, 2 है, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, लेकिन अब यहाँ Ag कितने हो गए, 2, तो यहाँ पे भी हमें बैलेंसिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, तो बैलेंस हो गई। एंड क्या लास्ट में क्या कहता है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो कौन सी रिएक्शन है, क्या हो रहा है, सिंगल रिएक्टेंट क्या हो रहा है, टूट रहा है ना, प्रोडक्ट्स के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहा है ना, वो टूट रहा है ना, तो कौन सी रिएक्शन हो गई यहाँ पे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन
रिएक्शन. क्लियर हुआ क्वेश्चन? ठीक है, आसान क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ऐसे ही क्वेश्चन आसान आएंगे क्योंकि तुम पढ़ोगे तो तुम्हें वो आसान लगेंगे, अदरवाइज तुम इनको नहीं कर पाओगे सॉल्व. उसके बाद बेटा आता है क्वेश्चन, यहाँ पे मुझे पता है तो तुम्हारी ये लेफ्ट हैंड साइड में इमेज है, ये वाली इमेज तुम्हें क्लियर दिखाई नहीं दे रही, सॉरी फॉर दैट. ठीक है, लेकिन मैं इसको डिस्क्राइब आपको बहुत अच्छे से कर दूंगी अभी, डोंट वरी. लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. पहले बताओ कि कौन से रिएक्टेंट इसमें यूज हो रहे हैं, और बताओ राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन रिएक्शंस के लिए. ये यहाँ पे स्पेस नहीं लगा फॉर द रिएक्शंस. तो फर्स्ट कहता है कि जब जिंक रिएक्ट करेगा, ये भी रिएक्शन मैं तुम्हें करा चुकी हूं पहले, कि जब जिंक रिएक्ट करेगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो वो प्रोड्यूस करेगा जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर. ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, यहां दिख नहीं रहा तुम्हें, कि सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 रिएक्ट करेगा किसके साथ, जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करेगा. तो दोबारा से कौन सी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, और क्या बन गया तुम्हारा, बन गया जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर बन गया. ठीक है, तो रिएक्शन जस्ट लिख के दिखानी थी, वो मैं पहले लिख के भी दिखा चुकी हूँ तुम्हें, कोई मुश्किल बात नहीं है. उसके बाद बी देखते हैं, बी क्या कहता है क्वेश्चन, कि पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट कर रहा है लेड नाइट्रेट के साथ और प्रोड्यूस कर रहा है पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड. ठीक है, तो यहाँ ये वाली रिएक्शन बहुत इजीली क्लियर है आप लोगों को. ठीक है, तो ये क्या है, दोबारा से एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, और वो भी कौन सी वाली, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. कैसे है जी, देखो कि जब लेड नाइट्रेट रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो क्या हो रहा है, ये रिएक्शन भी पहले करा चुकी हूं मैं, कि ये पोटेशियम क्या कर रहा है, किसकी जगह पे आ रहा है, लेड की जगह पे आ रहा है, और ये जो लेड है तुम्हारा ये किसकी जगह पे जा रहा है, दिस लेड विल गोज हेयर. ठीक है, तो क्या बन गया, लेड आयोडाइड बन गया, किसकी फॉर्म में बन गया, एक येलो पीपीटी की फॉर्म में, येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, इसीलिए हमने इसको क्या कहा है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. एंड लास्ट में क्या बन गया, KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट. ठीक है, अब क्या हुआ था, पोटेशियम ने लेड की जगह ले ली थी और लेड ने पोटेशियम की जगह ले ली थी, तो कौन सी रिएक्शन हुई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई. तो क्लियर हुआ तुम्हें, तुम्हें थोड़ा आइडिया लगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. ठीक है, और ऐसे ही पूछे जाएंगे बैलेंसिंग, या आपको केमिकल इक्वेशन लिख के दे देंगे, या बताएंगे पूछेंगे या कौन सी टाइप की रिएक्शन है. ठीक है, तो आपको मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करा दिए हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो बेटा. ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है जो तुम चाहते हो कि मैं आपके लिए सॉल्व करूं, तो मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताना. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.